अस्सलामुअलैकुम, सबको स्वागत हयात फिशिंग एंड ग्रुप में। आज हम नया कुछ देखेंगे, जो मछली धरने का हुक लगता है वो हुक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कौन सा साइज होगा, क्या क्या होगा, और ये वीडियो जो है दो या तीन चार पार्ट में आएगा। हर रोज़ कोशिश करेंगे इसका पार्ट देने में। पहले जो दिखा दे रहे इत्मीनान से देख लेना। ओ एक बात और बोल दें, जो बंदा जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हम एक चीज़ मांग रहे हैं, वो चीज़ है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर कोई क्वेश्चन रहा दिल में, कुछ भी रहा, तो भाई मेरा कमेंट बॉक्स जो है यहाँ कमेंट करो। और कुछ नया जानना है, फ़ोन करना है, तो आप मेरा नंबर दिया हुआ है, इसको व्हाट्सअप है, आपको ये व्हाट्सअप मिल जाएगा, वी चैट पर मिल जाएगा। और मेरा फेसबुक जो पेज है, फेसबुक पेज में भी आप इनबॉक्स कर सकोगे, वहाँ मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो इंसान नया हो ये वीडियो के लिए, जो वीडियो देख रहे हो, उनको एक बात बोलना है, आप लोग प्लीज़ इसको, ये चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिएगा, बाजू में बेल बटन है वो चाप दिएगा, तो मेरा हर वीडियो आपको पहले पास जाए, आपके पास जाएगा, यूट्यूब से नोटिफिकेशन भेज देगा आपको, जो मैंने कुछ नया वीडियो दिए उसका डिस्क्रिप्शन जो है, नाम जो है दिया, नाम दे के आएगा। तो आज चलो बात बहुत कर लिए, स्टार्ट करें। क्या चीज़ आज हम लोग बात करेंगे, हुक के बारे में पहले बोल दिया, हुक देख लो। ये जो मेरा हाथ पे हुक है, ये हुक का नंबर है 12 साइज, चीनू कंपनी बनाता है, जो जापान का है। साइज देख रहे, खूब छोटा वाला है। और ये जो चीज़ है हुक, एक कंपनी का आएगा आपका 2 नंबर, किसी का 1 नंबर और किसी का 10 नंबर, ऐसा आता है। ये देखो चीनू कंपनी है, ये इसमें कुछ ही नहीं आता है, आप देख रहे हो। और एक कंपनी देखा रहे, कोरियन का है, ये जो है 2 नंबर, ये कोरियन कंपनी, इसको नाम है चीनू, इसका 2। और ये आपका आता है 12 नंबर, एक पैकेट में ये रहता है 13 पीच, और ये आता है 15 पीस करके। स्ट्रॉन्ग जो बोलनी है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है मछली के लिए, टूटेगा नहीं। और ये 100 से 1 किलो तक मछली आराम से ये आ सकेगा, टूटेगा नहीं। और एक चीज़ है, छोटा है हुक, ये भी दाइची का है, ये नंबर जो है 10 है, ये दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं आता है हुक में, ये जो रखे ये 10 साइज का है, ये दाइची का है, इसमें एक पैकेट में आपको आएगा 12 पीसेस। ये देखो ये 10 नंबर, ये थोड़ा बड़ा है, ये आया 2 नंबर, और सॉरी ये 2 नंबर, और ये जो है 12 नंबर, चीनू का सॉरी दाइची का। और एक चीज़ ये हटा दे रहे, छोटा और छोटा है। अच्छा, मेरा हाथ में एक हुक देख रहे हो, बहुत छोटा है, नज़र आ रहा कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है, ये बहुत छोटा है। ये जो मछली इसमें फंसता है ये हुक में, इसको कोई चिंगरी मछ बोलते हैं, बड़ा वाला, और कोई भी ये सागर में मिलता है, ये मीठा पानी में मिलता है, लॉबस्टिक बड़ा वाला जो चिंगड़ी होती है, ये इसके लिए ये बेहतर हुक है, ये पहले से सही से तय किया हुआ है, सूता वगैरह लगा के। मैंने कल एक वीडियो डाल देंगे, जो इसको तय कैसे लगाते, सूता से सूता में आटके कैसे, ये दिखा देंगे। एक छोटा ये हुक है,
चलो और देख रहे हैं, ये जो है जापान का है फिशिंग हुक आरजे डालोंग कंपनी का। ये सिल्वर का कलर है, सिल्वर का है, सिल्वर कलर किया हुआ, इस स्टील का है, एसएस स्टील का है, ये टूटता नहीं है, हेवी हुक है। और इसमें आपको आएगा मीठा पानी का रुई, मृगेल, कालबाउस, सौर पुठी और आती है तेरो मोनोसेक्स हम लोग बोलते हैं, एक मछली है लाइलोन टीका, वो ये आराम से आ जाएगा। इसमें आप हाफ किलो से 2 किलो तक उठा सकोगे, इसको कुछ नहीं होगा, आराम से ये उठ जाएगा। और ये बांधने का जो प्रोसेस है, ये हुक सूते में कैसे लगानी है, ये कंपनी ने एक कागज पीछे लगा दिया, ये देखो कैसे आप बांध सकते हो ये हुक, ये डिजाइन किया हुआ। अब ये देख के भी आपको इत्मीनान से आएगा हुक कैसे डालना है। और एक हुक है 11 नंबर, ये जो है शायद जापान का कंपनी है, ये कहाँ का है, ये मेड बाय लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है मेरे को जापानी जो लैंग्वेज है, ये जापानी साइज लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज मेरे को आता नहीं है। एक कंपनी है चांगफा कंपनी का, ये हुक जो है 8 नंबर का है, सॉरी 11 नंबर का साइज है, ये रहता है आप 12 पीसेस, ये 8 पीसेस। ये देखो पहले जो दिखाए थे उससे छोटा बड़ा है, इसमें आप हाफ किलो से 2 किलो तक मछली आराम से उठा सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हैवी वाला हुक है। छोटा हुक आपको बहुत सारे मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनी का जो हम आपको दिखा रहे हैं, बेहतर कंपनी है, हम यहाँ पकड़ते हैं मछली, एक टूटा नहीं अभी तक। और ये जो हुक दिखा रहे हैं ये नॉर्वे का है कंपनी का, कंपनी का नाम जो है मुस्तर्ड, ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ इसका साइन है 1877 में, देख लिया बहुत पुराना एक कंपनी फिशिंग के लिए, मतलब मेरे लाइफ में अभी देखा है मैंने। जो हुक इसमें आप 2 किलो से ऊपर 7 किलो 5 किलो आराम से आ जाएगा, ये हुक जो है टूटेगा नहीं, ये बहुत हेवी है, मुड़ता भी नहीं है, मैं बहुत ताकत लगा रहा हूँ इसको घुमाने के लिए, जो होगा आपका सामने आएगा, ये टूटा नहीं है। और इत्मीनान से आप पहले देख लेना, ये हुक है ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा कर्व है, सीधे से कर्व है, हर मरतबा कर्व भी लेना, कोई हुक आपको मिलेगा राइट साइड, कोई मिलेगा आपको राइट साइड, ये कर्व किया हुआ। चलो एक और देख लेते हैं, एक मिनट भाई, थोड़ा बड़ा साइज देख रहे हैं अभी। ये जो हुक है ये जापान का है, ये कतला के लिए बहुत बेहतर हुक है, कतला में यूज जब करते हैं वो 6-7 हुक लगा लेते हैं, झोपा बना लेते हैं फूल जैसा, इसके लिए बेहतर है, ये टूटता नहीं है। और ये हैवी वाला हुक है, ये भी आप मारुतो कंपनी का है, अच्छा वाला हुक है, इसका साइज जो है 8, ये एक पैकेट में 6 पीस रहता है। तो भाई और एक चीज दिखा दे आपको, आ गया ये जो हुक है मेरे हाथ पे अभी, ये 17 नंबर का, 16 नंबर का, एक पैकेट में 20 पीस आता है। इसमें आप ये हुक में एक चीज पहले जान लो, इसमें रुई,
मिरिगेल, कालबाउस, कार्फिश जितना है वो आ जाएगा, इत्मीनान से आ जाएगा। मगर इसका वेट जो है लेने का 2 किलो से 5 किलो तक, इसके ऊपर जो करोगे शायद ये हुक नहीं रह सकेगा। अभी मेरा हाथ में गया, ये लग गया। जो करे आज इतना तक ही कर रहे हैं भाई, आज इतना तक ही वीडियो कर रहे हैं। ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जा रहा, आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे आपको 2 या 4 पार्ट करेंगे इसको वीडियो का। उस टाइम आप देख लेना, बहुत सारी हुक है फिश के, जो आप लोग इंडिया कहीं भी फिश मार दुकान जितना शॉप है वहां से खरीद सकते हो। कंपनी का नाम आपको याद है, नहीं तो आप YouTube से गूगल से सर्च कर लेना, बहुत सारी आपको मिल जाएगा। और वेट वगैरह जितना भी जानना है उतना दुकानदार बोल देगा आपको, और आपको खुद ही पता चल जाएगा। और मैंने जितना भी मेरा दिमाग में था वो मैं आपको बोल दिया। तो आप एक कोशिश करना, अच्छा सा हुक लेना, जो नया फिशिंग का शौक रख रहे हो, जिसका नया एंगलेट जो है इन लोगों के लिए भाई। अल्लाह हाफिज, अजान दे रहा, माफी चाह रहे हैं, वीडियो आज इतना तक ही, अल्लाह हाफिज़।